मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। शुक्रवार को कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई मर्डर नहीं किया है, अगर दोषी सिद्ध पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजनीति में 1 सप्ताह भी लंबा वक्त होता है, 8 साल में तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा, अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, 2 मई को इस मामले का निपटारा भी कर देंगे। मैं भी 5 मई के बाद फ्री नहीं हूँ, मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए ये सब जल्द ही समाप्त करना होगा। बता दें कि बीते 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, उन्होंने मर्डर नहीं किया है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। हम आरोप साबित होने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ तो इन पर 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। राजनीति में 1 सप्ताह भी बहुत लंबा समय होता है, 8 साल में तो उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण देते हुए कहा, जब नवजोत सिंह सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं मिल सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया गणेश मोदी का बयान भी पढ़ा और सवाल उठाते हुए कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या किसी जाति से नहीं आते हैं तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुई। मोदी सरनेम कई जातियों में आता है, उपनाम मोदी कई जातियों और समुदाय में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय किया कि राहुल गांधी ने केवल उनके बारे में ही ये बात कही है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और 24 मार्च को उनका सांसद का पद भी रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय है, एक सांसद के मामले में इसका नुकसान उनके निर्वाचन क्षेत्र का होगा, बाद में इस नुकसान की भरपाई भी नहीं की जा सकेगी। सिंघवी ने राहुल गांधी को पहली बार भेजे गए समन पर भी सवाल उठाते हुए कहा, सिर्फ एक व्हाट्सएप क्लिप के आधार पर समन कैसे जारी किया जा सकता है, व्हाट्सएप पर तो हजारों मैसेज आते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने किसी अखबार की कॉपी या पेन ड्राइव तक पेश नहीं की गई। सिंघवी ने कहा कि भाषण के मामले में 3 संभावनाएं होंगी, मैंने खुद भाषण सुना और मैं वहां था, इसलिए शिकायत दर्ज करता हूं। दूसरा ये हो सकता है एक रिपोर्टर इसमें शामिल हो और एक कहानी दर्ज करे, वो गवाही दे सकता है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कार्यक्रम में शामिल हुआ हो उस भाषण को प्रमाणित कर सकता है। लेकिन इस मामले में मौजूदा गवाहों में से कोई भी उपरोक्त 3 की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के मामले में 2 मई को जो नतीजा आएगा वो राहुल के पक्ष में जाता है या फिर उनके विपक्ष में।